हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छा हो गए दोस्त हम। देखिए, हम अब मुद्दे की बात पर आते हैं। पर इससे पहले वीडियो में हमने आपको कि कौन मिट्टी का परिचय कुछ प्रश्न कराए थे। आज हम आपको उससे आगे का प्रश्न कराते हैं जो रक्षा के लिहाज से आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपका क्वेश्चन पहला है, यदि एक्स टैन पैंतालीस डिग्री इंटू कोस डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री, तो एक्स का मान क्या होगा? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी वाले वीडियो में आपको कई बार स्लाइड थी, इसमें सभी का टेन का दस मान कितना होता है, टेन को शार्ट का मान कितना होता है, साढ़े शार्ट का मान कितना होता है, ये सभी चीजें अगर आपको याद नहीं तो आप फिलहाल कहीं से देख कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन हम आपका एक्स टेन पैंतालीस वैल्यू आप कितनी होती है टेबल से देख लेना, ये होती है वन इंटू कोसा, कोस का साठ की वैल्यू होती है आपकी वन बाई टू, साइन साठ की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट थ्री अपॉन टू, कोस साठ की वैल्यू देखना आप टेबल से, ये होती है आपकी वन अपॉन टू। अब इससे आपका ये टेंशन होगा और अब आपके पास यहाँ ये एक्स बाई टू बन जाएगा, इससे ये टेंशन एक्स वैल्यू आपकी यही आपका सॉल्यूशन होता है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट, यदि टेन एक्स थ्री फोर एक्स तो एक्स की वैल्यू फाइव होती है। देखिए कैसे करते हैं, टेन एक्स देखिए हमें होता है कोट होता है कोट इसके कुल होता है कोट होता है आपके आधा बटे लंग के बराबर भी होता है और एक बटे टेन के बराबर, हम कोट लेते हैं टेन। अब देखिए ये इधर भाग कराएंगे आप कितना करेगा, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू टेन बराबर अब ये आपका टेन एक्स का स्क्वायर बराबर और टेन एक्स बराबर आपका होगा अंडर रूट और टेन एक्स अंदर उस थ्री देखिए किसकी वैल्यू होती है टेन जो होती है आपकी टेन शार्ट डिग्री, टेन टेन कैंसिल हुआ तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी शार्ट डिग्री, ये आपका आंसर क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा आगे के प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न है आपका साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, तो कैसे करते हैं? आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपके टेली याद है तो आप टेली से उसका मान देंगे और सवाल में रख दीजिए। कोशिश आप ये करें कि आप याद रखें क्योंकि आपको जब इच्छाएं होंगी इच्छाएं आप कहाँ से उसका मान देंगे, इसलिए आप याद करें जल्द से जल्द। लेकिन साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, कोस 30 का मान भी वही होता है अंडर रूट 3 बटे 2 ठीक है, साइन 30 का मान भी 2 होता है, कोस 60 का मान भी। अब देखिए हर की गुणा हर के साथ होगी, अंडर रूट 3 गुणा जो अंडर रूट 3
साथी होंगे तो यह आपका तीन आ जाएगा, दो दुगुना दो में होगी तो चार आ जाएगा, और एक दुगुना एक में तो एक चार आपका दो दुगुना तो चार। अब आप इस टेंशन देखिए तीन प्लस दो ये आपका चार होगा, चार यानी कि आपका चार से चार कट जाएगा। एक बार फिर देखिए आप टू टेन पीस वन प्लस टेन स्क्वायर पीस मिली है, तो हमें बताना है ऑप्शन में ये वैक्यूम साइन साठ के इक्वल है और साठ के इक्वल है टेन साठ के इक्वल है या साइन तीस के, तो हम इसको देखिए हर करने हर करने के बाद हमें पता लगेगा ये किस के इक्वल है। टेन तीस की वैल्यू होती है बटन करो वन प्लस एक बटन करो इसका स्क्वायर ये होगा दो बटन करो तीन, क्योंकि ये अंश है और ये अंश है, अंश के अंश के साथ होगा ये और ये होगी ये होगा आपका हर तो अब वन प्लस। अब हम इस टेंशन में लेंगे पहले नीचे वाले में देखते हैं थ्री थ्री प्लस वन और फोर यह आपका दो बटन नंबर थ्री और ये थ्री प्लस वन चार। अब आप इस टेंशन में लेंगे दो से कटाइए चार दो बार और ये इधर तीन से कटाइए अंदर रूप पहले अंदर रूप तीन बटे दो इसका आंसर है। पर अंदर रूप तीन बटे दो किसकी वैल्यू होती है, या तो साइन साठ की होती है या कोस तीस की होती है, तो हमारे पास ऑप्शन में है साइन साठ, तो हम इसके चलते हैं कि ये वैल्यू साइन साठ की होती है। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं वो आप कर करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दिए हम आपको ट्राई करेंगे। अब इसका जो लास्ट का क्वेश्चन बताते हैं हम आपको
अब आपके पास ये रूट है और जब दो ए के बराबर नब्बे है तो ए ए के बराबर होगा आपका नब्बे नब्बे दो यानी फिर आप ए प्लस बी बराबर सात अब यहां से आप बी निकालिए ए माइनस साठ माइनस ए हो जाएगा ए हो जाएगा माइनस पैंतालीस अब आप देखिए साठ माइनस पैंतालीस आपके पास होता है तो हमारा ए के मान आया पैंतालीस अंश बी का मान आया पंद्रह अगर आपको कोई डाउट है कि हमारा प्रश्न या हमारा उत्तर सही है गलत है तो हम चेक कर सकते हैं देखिए ए प्लस बी ए का मान पैंतालीस है बी का मान पंद्रह है दोनों को जोड़ दीजिए साठ आ रहा है ए माइनस बी अगर हम पैंतालीस में से पैंतालीस ए हो गया बी पंद्रह पैंतालीस पंद्रह का टाइम तीस आ जाएगा ये दोनों इक्वेशन अगर हम समतुल्य आते हैं तो इसका मतलब हमारे सवाल सही है थैंक यू आज के लिए इतना ही